हेलो एंड वेलकम, आप सुन रहे हैं हिंदी मोरल स्टोरी पॉडकास्ट विद मीतू शर्मा। आज की कहानी का शीर्षक है सिर्फ एक चने के लिए। बहुत पहले की बात है, एक राजा ने अपनी सेना सहित किसी नगर के बाहर पड़ाव डाला। वहां पेड़ पर बैठा एक बंदर गौर से उनकी तमाम गतिविधियां देख रहा था। मैं कई दिन से भूखा हूँ, किंतु लगता है अब मुझे भरपेट खाने को मिलेगा। ये सोचकर वो मन ही मन हर्षित हुआ। थोड़ी देर बाद एक सिपाही दूसरे सिपाही से बोला, चलो घोड़ों के लिए कुछ चने भून ले। हाँ, मेरा भी यही विचार था। दूसरे सिपाही ने हाँ में हाँ मिलाई। फिर सिपाहियों ने चने भूनकर ठंडे होने के लिए एक बड़े कढ़ाहे में डाल दिए और दूसरे काम में लग गए। उधर बंदर ने सोचा कि बस यही सुनहरा अवसर है। वो पेड़ से नीचे उतरा और कढ़ाहे में से मुट्ठी भर भर कर चने खाने लगा। उसने भर पेट चने खाए, जिससे उसकी भूख तो मिट गई, किंतु लालच के कारण उसने कुछ चने मुंह में भरे, कुछ दोनों हाथों में भर लिए और पेड़ पर चढ़ गया। तभी उसके हाथ से एक चना छूट गया और जमीन पर जा गिरा। अरे मेरा चना, वो रुआसा हो गया और बिना सोचे विचारे ही उसने दोनों हाथों से सारे चने फेंक दिए और सिर्फ एक चने की तलाश में पेड़ से नीचे उतर आया और इधर उधर तलाश करने लगा। उसे यहीं कहीं होना चाहिए, आखिर गया तो गया कहाँ, कहीं भी तो दिखाई नहीं दे रहा। हाय, मैं बाकी सारे चने भी गवा बैठा। इस प्रकार वो मूर्ख बंदर एक चने के लालच में पड़कर सारे चनों से हाथ धो बैठा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि लालच का फल हमेशा हानिकारक होता है। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। मोरल स्टोरीज इन हिंदी पॉडकास्ट का ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों। और हम एक बहुत ही अच्छी और एक नई कहानी के साथ जल्दी मुलाकात करेंगे यहीं पर इन हिंदी मोरल स्टोरी पॉडकास्ट। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छी अच्छी बातें सीखते रहिए। बाय बाय।